नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो दोस्त के एक और एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज ही जो है ये खबर आई है कि हमारे इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने आरबीआई से अपील की है कि वो अपने बैन को रिकंसिडर करें। तो यहां पे आप देख सकते हैं, इस आर्टिकल में बिजनेस इंसाइडर पे आर्टिकल पब्लिश हुआ है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इन इंडिया हैव सेंट एन एप्लीकेशन टू द कंट्रीज रेगुलेटरी अथॉरिटी टू रिकंसिडर द ब्लैंकेट बैन। सजेशंस इंक्लूड इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इनटू द इंटरफेस। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि आप जो है अपने इस बैन को रिकंसिडर करें और हम जो है अपने एंड पे बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करेंगे, आपके जो भी कंसर्न्स होंगे रेगुलेटरी उसे हम एड्रेस करेंगे। तो ऐसा ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, नीचे आर्टिकल में यह भी लिखा है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस आर लुकिंग फॉर अ चांस इन इंडिया इवन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव हैंगिंग ओवर द हेड। तो जुलाई 5th को जो है ऑफिशियली जो है बैंक्स को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को सर्विसेज देना बंद करना पड़ेगा और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है वो होने वाले जुलाई 20 को। तो एक 14 दिन का पीरियड होगा जहां पे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस बैंक्स के साथ डील नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस बात है, बहुत सारे जो हमारे फर्म्स हैं उस आते हुए डेडलाइन की वजह से जो थोड़े टेंस्ड होंगे कि कैसे वो अपने बिजनेस को चलाएंगे। तो इसलिए जो उन्होंने एक अपील की है आरबीआई से, कुछ फर्म्स ये भी कह रहे हैं कि एक डेडलाइन एक्सटेंशन कर दीजिए ताकि जुलाई 20 को जो हियरिंग हो उसके बाद ही जो है कोई डिसीजन आए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा है कि आरबीआई ऐसा कुछ डिसीजन लेने वाला है या रिकंसिडर करने वाला है। आई होप मैं गलत हूं इस बारे में, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है क्योंकि अभी तक जो है आरबीआई ने कोई डिस्कशन वगैरह किए नहीं है इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस एक महीने में भी जो है आरबीआई कोई डिस्कशन करेगा। यहां पर देखिए, व्हाट डू दे वांट, यानी कि एक्सचेंजेस को क्या चाहिए। इंस्टेड ऑफ अ ब्लैंकेट बैन विच क्रिएट ऑब्स्टिकल्स फॉर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, आरबीआई शुड ओनली इन्फोर्स द बैन ऑन फर्म्स दैट हैव related regulations। तो बहुत सारे जो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस जिन्होंने अपील की है वो ऐसा कह रहे हैं कि आरबीआई सिर्फ उन्हें उन फर्म्स को बैन करें जिन्होंने जो है रेगुलेशंस को वायलेट किए हैं। बहुत सारे जो हमारे एक्सचेंजेस है बहुत ही अच्छे तरीके से जो है केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें जो है ब्लैंकेट बैन करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप उन फर्म्स को आप रोक सकते हैं जो वायलेशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आप जो है क्लीन एक्सचेंजेस को आप इस तरीके से बैन न करें। यहाँ पे नीचे ये भी लिखा है कि ऑन टॉप ऑफ दैट द एप्लीकेशन इंक्लूड सजेशंस अबाउट इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल बेस्ट practices and integrating financial products that will contribute towards customer protection। तो ऐसा भी कह रहे हैं कि international best practices को वो लेके आएंगे और दूसरे भी तरीके के financial products को वो include करेंगे जिससे जो है customer protection और बढ़ेगा। आगे ये भी लिखा है कि द इशू लाइज इन द फैक्ट दैट एनी ऑन ऑल ऑफ दिस विल ओनली बी यूजफुल वंस दीज एक्सचेंजेस कम अंडर रेगुलेटरी परव्यू। इफ द ब्लैंकेट बैन रिमेंस, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर विच पॉलिसीज आर प्रेफर्ड और इवन फॉलोड। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अगर आरबीआई इससे अपील को कंसिडर करता है तभी जो है ये सब चीज़ें आएंगी। अगर आरबीआई ने नहीं कंसिडर किया तो ऑब्वियसली बिजनेस एज यूजल चलेगा और जुलाई 5th के बाद जो है ऑफिशियली आप अपने बैंक्स के थ्रू जो है आप पैसे नहीं डाल पाएंगे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के अंदर, नहीं निकाल पाएंगे। तो देखते क्या होता है। मुझे बहुत दुख होता है ऐसे कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स को जो है दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है आरबीआई का और उनके साथ अपील करनी पड़ रही है, जहाँ पे वर्ल्ड ओवर बहुत सारे कंट्रीज जो है क्रिप्टो फ्रेंडली हो गए, वहाँ के रेगुलेटर्स जो है कोशिश कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने की क्रिप्टो करेंसीज को, लेकिन आरबीआई ने जो है ऐसा एक स्ट्रिक्ट सा स्टांस लिया हुआ है। तो आई होप आरबीआई रिकंसिडर करे इस डिसीजन को। अगर आप में से कोई भी सुन रहा है, आरबीआई के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सुन रहा है, तो मैं प्लीज़ आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है इस डिसीजन को रिकंसिडर करें और एटलीस्ट इस अपील के होने तक, जो सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है जुलाई 20 तक, तब तो एटलीस्ट ये डेडलाइन का एक्सटेंशन देते हैं, मैं यही होप करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। वीडियो के नीचे ही एक सब्सक्राइब बटन है, बस उसे आप टैप या क्लिक कर दीजिए। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, दो क्रिप्टो दोस्त मेरा ट्विटर हैंडल, यहाँ पे आप मुझे फॉलो करें। और अगर आपके पास कोई डिटेल क्वेरी है तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं thecryptodost@gmail.com पर। थैंक यू वेरी मच।